सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मुसलमानों की इंडिया में थी जिसका नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बड़ी मशहूर, सर सैयद अहमद खान की बनाई हुई। उसके वाइस चांसलर डॉक्टर सर जियाउद्दीन अहमद, जिनके नाम से ये अस्पताल बना हुआ है, फोटो भी लगी हुई है उनकी वहां पे, ये वाइस चांसलर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। इनको एक मसला पेश आ गया रियाजी का, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, क्या कहते हैं आप। उस जमाने में पाकिस्तान तो अभी बना नहीं था, आला हजरत की वफात 1921 में हुई है, पाकिस्तान तो 1947 में बना। पूरे इंडिया में उनको इसका जवाब नहीं मिल रहा था, सब जगह उन्होंने राबता कर लिया, कहीं जवाब नहीं मिल रहा। उनको बताया गया इसका जवाब जर्मनी में मिलेगा। कहां मिलेगा? वहां पर माहिर हैं, माहिर रियाजियात हैं, वहां जाओ, यहां नहीं मिलेगा। इधर खत लिख रहे हैं, उधर लिख रहे हैं, कहीं तसल्ली नहीं हो रही। वाइस चांसलर थे, जवाब जरूरी था, तैयारी कर ली। हजरत सैयद सुलेमान अशरफ, वो भी उसी यूनिवर्सिटी में थे और आला हजरत के मिलने वाले थे, उन्होंने वाइस चांसलर से कहा जर्मनी तो जा रहे हैं आप, ये अलीगढ़ से 50-55 मील है बरेली, गाड़ी आपके पास है, को बस में या ट्रेन में तो जाना नहीं, आपको तो सरकारी गाड़ी मिली हुई है, घंटे भर का रास्ता है, वहां पर आला हजरत से मिल लीजिए। वाइस चांसलर ने कहा बड़े बड़े उस्ताद जवाब नहीं दे रहे, मौलवी क्या जवाब देगा है? उनकी नजर में तो मौलवी को क्या मालूम होगा, सिर्फ यही कि नमाज कैसे पढ़नी है, हराम हलाल के मसले हैं, निकाह ज़कात के यही मसले आते होंगे, और क्या आता हो। उन्होंने कहा मिल तो लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार कहा कि जा रहे हो, जब जर्मनी तक जा रहे हो तो 1 घंटे का रास्ता। कहा अच्छा चलो। ये कोट पतलून पहनते थे, टाई लगाते थे, आला हजरत के सामने कोई टाई में आ जाता था तो उसकी खैर, सलीब का निशान है, क्रॉस का आपने फैशन में अपना लिया। वो सुलेमान अशरफ साहब ने पैगाम भेजा, वाइस चांसलर को लेके आ रहा हूं, टाई अगर उसने पहनी हो कोट पतलून तो डांटिएगा नहीं, जरा पहले दिल काबू कीजिएगा, फिर लीजिए जनाब। ये कॉलेज बंद हुआ दोपहर के टाइम, चले जिस वक्त बरेली पहुंचे, असर की अजान हो चुकी, असर की अजान, आला हजरत ने आस्तीन चढ़ा ली थी वुजू के लिए, वुजू करने के लिए अपने कपड़े की आस्तीन चढ़ा ली थी। ये पहुंच गए, आइए क्या बात है। उसने कहा जी बड़ा अहम मसला है, नमाज का टाइम हो गया, आप पहले नमाज पढ़ लें फिर आराम से बात करें। आला हजरत ने कहा बताइए तो सही। उसकी नजर में तो बहुत अहम मसला था, उसको कहीं से जवाब नहीं मिल रहा था। उसने कहा जी बहुत अहम मसला, फरमा कहिए तो। उसने कहा कि शायद इनको बहुत जल्दी है, उसने कह दिया। अभी उसने बात पूरी नहीं की, आला हजरत ने जवाब दे दिया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये मौलवी है, मैं कहां कहां धक्के खा चुका हूं, पूरा हिंदुस्तान मैंने राबता कर लिया, कोई बात तक नहीं इसकी सुन रहा, इन्होंने सुना अभी पूरा नहीं और जवाब दे दिया, और ऐसा जवाब दिया मेरी तसल्ली हो गई है। आला हजरत नमाज के लिए तशरीफ ले गए, नमाज के बाद वो मजीद सवाल करता रहा, आंखों में आंसू आए हुए। उसने कहा सुना था इल्मे लदुन्नी भी कोई चीज होता है, आज देख लिया, नमाजी हो गया, दाढ़ी रख ली उसने। वो आला हजरत, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए।